वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री के ऊपर। आप लोगों ने मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं या सीख लिए हैं या आप सीख रहे हैं, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन सम अदर सब्जेक्ट्स टू। अब पोएम एक ऐसी चीज है जो मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ, बिकॉज यूट्यूब पर एज यू नो वीडियोस की लेंथ की एक परमिशन होती है, आई कैन नॉट एक्सटेंड अ लॉट, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एंड लेट अस बिगिन विद स्टैंडर्ड फिफ्थ, द फर्स्ट पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज ऑन पेज नंबर 1, व्हाट अ बर्ड थॉट। मतलब जब एक पक्षी पैदा होता है, लाइक फ्रॉम अंडे में से निकलने से लेकर उड़कर एक एडल्ट, एक बड़ा पंखदार पक्षी बनने तक उसके थॉट प्रोसेस क्या-क्या होते हैं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोयम में एनोनिमस, पता नहीं किसने लिखी है ये पोयम, मतलब पोएट है कि पोएटेस है, आई डोंट नो, ना बुक में मेंशन किया है ना ही इंडेक्स में किया है, तो हम एनोनिमस कहेंगे, यानी जिन्होंने भी लिखी है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो पहले मैं पूरी पोयम आपके लिए रीड करूंगा और फिर एक एक स्टैंजा, पोयम्स में स्टैंजास होते हैं, पैराग्राफ नहीं होते, तो प्लीज इनकल्केट अ हैबिट कि आप लोग स्टैंजा बोलें। फाइन, आई विल पेज नंबर 1, पोयम नंबर 1, व्हाट अ बर्ड थॉट। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, द वर्ल्ड टू मी वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. And one day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the trees and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell, can you? अब इसके अंदर एक छोटा सा पक्षी है, वो अपने जन्म से लेकर अपने बड़े होने तक, एडल्ट होने तक की जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला स्टैंजा कहता है, I first lived in a little house and lived there very well. The world was me, to me was small and round. And made of pale blue shell. मतलब जब एक पक्षी पैदा होता है बच्चों, तो आप सब जानते हो उसकी जो मम्मी होती है birds, वो एक छोटा सा अंडा दे रही है। तो वो कहता है जब मैंने पहली बार अगर इस दुनिया को देखना चाहा होगा तो वो एक छोटा सा अंडा था, pale blue shell। pale blue का मतलब एकदम light blue और shell का मतलब यहाँ पर आप egg समझिए, अंडा। तो पहले वो एक अंडे में था, उसकी मम्मी ने और उसके पापा ने उस अंडे को हैच किया। हैच का मतलब होता है अपनी बॉडी की गर्मी से उस अंडे को हैच करते हैं। आप देखते हैं ना, बर्ड्स अपने ही अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं, पंखों से कवर करके रखते हैं और अपनी बॉडी की गर्मी उसको देते हैं, तो इसको हैचिंग कहते हैं। उसे हैच किया, थोड़े वीक्स के बाद वो बर्ड अपनी चोंच मार मार के उस अंडे के शेल को तोड़कर बाहर आता है। तो अब ये बर्ड जब बाहर आ गया है तो सेकंड स्टैंजा में वो कहता है, I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. अब जब ये छोटा सा पिल्लू या छोटा सा पक्षी का बच्चा अंडे से बाहर आ गया है तो वो कह रहा है कि अब मेरी दुनिया बदल गई, पहले मैं अंडे में था, अब मेरे चारों तरफ ना स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ का मतलब होता है सूखी घास या तिनके हैं और चारों तरफ है वो, और मैं बीच में हूं और उसके ऊपर मेरी मम्मी बैठी हुई है। आपने देखा है नेस्ट होता है, नेस्ट के अंदर बेबी होता है और उसके ऊपर उसके पापा या मम्मी टर्न बाय टर्न करके बैठकर अपने फेदर्स से, अपने विंग से उसको कवर करके रखते हैं ताकि वो और अच्छे से ग्रो हो पाए। अब ये बर्ड और बड़ा हो गया है, इसके धीरे धीरे विंग्स निकल आए हैं, पंखों में जान आई है, फेदर्स थोड़े से और ज्यादा डार्क शेड के हो गए हैं जैसे इसके मम्मी पापा के होंगे, और अब ये थर्ड स्टैंजा में और बड़ा होकर
अपने बारे में बताना है. थर्ड स्टैंजा में वो कहता है, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड. आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. अब जब इसको पंख आ गए हैं, पंख आने का मतलब होता है पंखों में जान आ गई है, उड़ सकता है, अपना बॉडी वेट संभाल सकता है, तो ये अपने घोंसले से उड़ा और उड़कर एक डाल में जाकर गिर गया. और जब उसने चारों तरफ देखा तो जिस पेड़ पर इसका घोंसला बना हुआ था उस पेड़ की पत्तियां ही पत्तियां इसको दिख रही है. तो वो कहता है, अरे मैं तो कितना बड़ा अंधा था. अब यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब अंधा नहीं है, ब्लाइंड का मतलब होता है इग्नोरेंट, यानी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ना मैं अंडे से हूं, ना मेरा घोंसला था, ना मेरा कोई पेड़ है. क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है. स्टार्टिंग में बर्ड बोलता है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अंडा ही मेरी दुनिया लगती है. फिर वो बोलता है, नहीं 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 अंडा नहीं, मुझे तो घोंसला मेरी दुनिया लगती है. फिर वो बोलता है, नहीं 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 अब जब मैं उड़ना सीख गया हूँ तो वो पेड़ मेरी दुनिया. फोर्थ और कंक्लूडिंग स्टैंजा में जब वो एक एडल्ट बर्ड बन गया है, ऐसा बर्ड जो अपने विंग्स को अच्छे से फ्लटर यानी कि अप एंड डाउन करके उड़ सकता है अपने मम्मी पापा की तरह, तब वो कहता है, एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री एंड सॉ द स्काई सो ब्लू. नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैन नॉट टेल, कैन यू. और फिर वो कहता है कि जब मेरे पंखों में जान आ गई, मैं अपने मम्मी पापा की जैसे इंडिपेंडेंट होकर उड़ने लगा, तब मुझे पता चला कि ना अंडा मेरी दुनिया है, ना घोंसला मेरी दुनिया है, ना वो पेड़ जिस पे मेरी मम्मी पापा ने घोंसला बनाया था वो मेरी दुनिया है. ये दुनिया तो इतनी 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 बड़ी है कि मैं अगर उड़ के कवर भी करना चाहूंगा तो भी नहीं कवर कर सकता. इसीलिए उन्होंने यानी इस पक्षी ने एंड में एक क्वेश्चन बोल दिया, आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता कि ये वर्ल्ड कैसा है. क्या आप बता सकते हो? तो क्लास सिंपल सी पोयम है, ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता. इस वर्ल्ड को बनाने वाले हमारे क्रिएटर द गॉड ने बहुत कुछ बनाया है जहां पर हम और आप जा भी नहीं सकते. एक छोटी सी पोयम के थ्रू हमको और आपको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दिया गया है. यहाँ पर जो बर्ड है ना बेटा, वो आप और मैं है. हम जब छोटे होते हैं तो हम मम्मा के वूम्ब में होते हैं, बाहर आने के बाद सिर्फ हमें मम्मी 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 चाहिए. जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो स्कूल फ्रेंड्स एंड फैमिली हो जाती है, और जब और बड़े हो जाते हैं तब बिजनेस ऑफिस और हमारा करियर और हमारा परिवार आ जाता है. बट दुनिया इससे भी आगे है. इन शॉर्ट इस पोयम के थ्रू आपको एक वर्ल्ड यानी कि प्लैनेट अर्थ नहीं, एक दुनिया के बारे में डिस्क्राइब करने के बारे में बताया गया. फाइन, आप इस पोयम को रीड करिए. मैं जैसे रीड कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी रीड कर सकते हैं. इसके अंदर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई रहेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वर्ड के सामने का मीनिंग समझकर टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख सकते हो. आप लोग कभी भी पेन से मत लिखो, टेक्स्ट बुक हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, पेंसिल से लिखिए और हमेशा डेट डालिए. जब भी टीचर सिखाती है तो उसके ऊपर आप डेट लिखिए. तो मैंने स्टार्टिंग में पोयम रीड की है, आप उसको गो थ्रू करिए और अगले सेशन में हम और आप हिंदी की कविता करेंगे. चलिए.